बताने वाले हैं कि आप लोग बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पे फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे, आप लोगों को फॉर्म भरने में किन किन डॉक्यूमेंट का जरूरत यहाँ पे पड़ सकता है और आप लोगों को कितना साइज में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, पूरी कंप्लीट जानकारी आप लोगों को यहाँ पे बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर्म अप्लाई के बारे में हम इस वीडियो में देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को बिना स्किप के अंत तक वॉच कीजिए ताकि आप लोगों को यहाँ पे पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल सके। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे ना सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर लेटेस्ट अपडेट बेल्ट्रॉन से रिलेटेड आप लोगों को मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे किस प्रकार से आप लोग अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल के क्रोम ब्राउज़र में टाइप करना है theupdatepro.com। जैसे फ्रेंड्स आप लोग सर्च कीजिएगा, कुछ इस तरह से आप लोगों को theupdatepro.com का ऑफिशियल वेबसाइट का ऊपर में आप लोगों को लिंक दिखाई देगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आप लोगों के सामने कुछ हाईलाइट होकर यह आएगा, आप लोगों को जो है यहाँ पे जैसे आप लोग ऊपर स्क्रॉल कर लीजिएगा तो आप लोगों को यहाँ पे ऊपर में ये लेटेस्ट अपडेट में बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पे लिंक दिखाई देगा, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप लोगों को ऊपर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से जैसे ही आप लोग स्क्रॉल कीजिएगा उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप लोगों को नीचे में यहाँ पे इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने का, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने ओपन होकर ये आएगा, तो इसी तरह से आप लोगों के सामने जैसे ये ओपन होकर आएगा तो आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म आप लोगों के सामने खुल के ओपन होकर आ जाएगा। आप लोगों को इसे क्लोज करना है, आप लोग इसे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, आप लोगों को ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। साथ ही आप लोगों के सर्टिफिकेट में अगर कोई भी चेंज है तो यहाँ पे आप लोग यस करेंगे, साथ ही आप लोग यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मेल में टिक कर देना है जो भी आप लोगों का जेंडर होगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देना होगा जो कि चालू होना चाहिए और आप लोगों के पास होना चाहिए, आप लोगों को उसमें OTP डालना होगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर email ID मांगा जा रहा है, आप लोग सभी डिटेल्स को फिलअप करेंगे, जनरेट OTP पे क्लिक कर कैप्चा डालेंगे, आप लोगों के मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, आप लोग उसे OTP से वेरीफाई कर देंगे, आई एग्री में टिक करेंगे, ये इस वाले कैप्चा कोड को यहाँ पे डालेंगे, रीवेरीफाई करेंगे, आप लोगों के सामने पूरा डिटेल्स ओपन होके आएगा, आप लोग चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप लोग सबमिट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह से डिटेल्स ओपन होकर आएगा, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आएगा, आप लोग पर्सनल डिटेल्स में कुछ चीज़ें जो भी आप लोगों ने पहले फिलअप कर रखी वो हाइड रहेगा, उसके बाद आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, मैरिड अनमैरिड जो भी आप लोग हैं, यहाँ पे आप लोग फादर का नाम डालेंगे, साथ ही मदर का नाम डालेंगे। आप लोग यहाँ पे आप लोगों का मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिलअप रहेगा, आप लोग पोस्ट यहाँ पे चूज नहीं कर सकते हैं, पहले से डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, टिकआउट करेंगे, यहाँ पे आप लोग का अगर बिहार डोमिसाइल बिहार है तो यस, नहीं तो आप लोग नो करेंगे। यहाँ पे आप लोग अपना कैटेगरी कुछ इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल्स मांगा जा रहा है जो कि आप लोगों का यहाँ पे जो भी लेवल से बना है, चाहे RO लेवल हो या CO लेवल हो, आप लोग यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद आप लोगों का जो इशू डेट होगा वो इशू डेट आप लोग देंगे, यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो भी नंबर आप लोगों के सर्टिफिकेट पे होगा वो इसको आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एंटर करना है। नीचे आप लोगों को इसमें भी वो सेम आप लोगों को वही डिटेल्स यहाँ पे भरने होंगे, तो मैं यहाँ पे इसका भी डिटेल्स यहाँ पे भर देता हूँ। कुछ इस तरह से आप लोग भरेंगे, उसके बाद आप लोगों को यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक सर्टिफिकेट नंबर कुछ भी आप लोग यहाँ पे जो भी आप लोगों के सर्टिफिकेट पे होगा उसे आप लोग एंटर करेंगे। सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आप लोगों को देना होगा, साथ ही यहाँ पे पैन कार्ड या आधार कार्ड या कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग सेलेक्ट करके दे सकते हैं। ID देना होगा, साथ ही आप लोगों का जो भी आईडी कार्ड पे नाम है वो डालना होगा, 7 नेक्स्ट करेंगे। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके 7 नेक्स्ट कर देंगे। आप लोगों के सामने इस प्रकार से आप लोगों का एड्रेस मांगा जा रहा है, आप लोग परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों आप लोग ऊपर नीचे ही कुछ इस प्रकार से फिलअप करेंगे, डिस्ट्रिक्ट स्टेट सिटी नेम और कंट्री, उसके बाद आप लोगों का पिन कोड आप लोग इस प्रकार से फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद आप लोग जो है यहाँ पे 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों का यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स मांगा जा रहा है, जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे बोर्ड का नाम पूछा जा रहा है, उसके बाद आप लोगों को स्कूल का नाम पूछा जा रहा है, तो कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पे बोर्ड का नाम और स्कूल का नाम देंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे परसेंटेज मांगा जा रहा है, आप लोग को परसेंटेज ग्रेड में देना चाहते हैं, अगर परसेंटेज में परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को यहाँ अपडेटेड मार्क्स जो भी आप लोगों को मार्क्स आया वो डालेंगे, मिनिमम कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ तो वो डालेंगे, उसके बाद आप लोगों का परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा, ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन चूज करना है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे बोर्ड का नाम दे देता हूँ।
आप लोग कुछ इस तरह से अपना बोर्ड का नाम दे देंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे स्कूल का नाम देना है, तो स्कूल का नाम आप लोग दे देंगे। स्कूल का जो भी नाम आप लोगों के सर्टिफिकेट पे होगा वह आप लोग दे देंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है। उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्ट नेम देने के बाद आप लोग यहाँ परसेंटेज में देंगे, तो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव मार्क डालेंगे, मैक्सिमम मार्क डालेंगे, आप लोगों का परसेंटेज कैलकुलेट होगा, ईयर ऑफ पासिंग डाल देंगे। यहाँ पे टाइपिंग का प्रकार पूछा जा रहा है, आप लोग हिंदी इंग्लिश जो भी देना चाहते हैं आप लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोगों से यहाँ पे कंप्यूटर का डिटेल्स मांगा रहा है, अगर आप लोग वन ईयर का देना चाहते हैं वन ईयर सेलेक्ट करेंगे। जो भी ईयर में आप लोग पास किए हैं उसका आप लोगों को यहाँ पे इंस्टीट्यूट पासिंग फॉर्म 2023 में अगर पास किए तो 2023 या 24 डालेंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मान्यता प्राप्त है कि नहीं वो पूछा जा रहा है, यस करेंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग चूज करेंगे। उसके बाद आप लोगों को अगर कोई अदर डिग्री देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। सेवन नेक्स्ट करेंगे। सेवन नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सिटी पूछा जा रहा है, एग्जाम सिटी, आप लोग यहाँ पे पटना चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों से यहाँ पे जो है आप लोगों का जो भी टेस्ट आप सिटी में देना चाहते हैं, तीन डिस्ट्रिक्ट कोई भी आप लोगों को चुनना है। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट करना है। उसके बाद आप लोगों से यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड पूछा जा रहा है, आप लोग यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज आप लोगों को फोटो अपलोड करना होगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहाँ पे डिटेल्स फिल किए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए फोटो का साइज जो है 50 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लोगों को फोटो चूज करनी है, फोटो चूज करेंगे, ओपन करेंगे, आप लोगों के कुछ इस तरह से ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से आप लोग इसका सिग्नेचर भी अपलोड कर लेंगे, अपलोड होने के बाद साइड में ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद आप लोगों को बारी बारी से यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, NCL सर्टिफिकेट, उसके बाद आप लोगों को 10th क्लास सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके बाद आप लोगों को इंटर का यहाँ पे सर्टिफिकेट, उसके बाद इंटर का मार्कशीट, वन ईयर का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आप लोग जो है कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स चाहे तो अपलोड करके सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 1000 फी आप लोगों का लग रहा है, आप लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह से इस चेकबॉक्स को आप लोगों को सारे चेकबॉक्स को टिक कर देना है। टिक करने के बाद इस वाले कैप्चा कोड को यहाँ पे क्लिक करके आप लोग डाल देंगे। सबमिट करने से पहले आप लोग यहाँ पे प्रीव्यू चेक कर लेंगे। कुछ इस तरह से आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने इस तरह से प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू डिटेल्स चेक करने के बाद आप लोग यहाँ से इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद आप लोगों के स्क्रीन पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा। आप लोग ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, आप लोग यहाँ पे नेट बैंकिंग या कोई भी क्रेडिट कार्ड से आप लोग इसे पेमेंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोगों का यहाँ पे फॉर्म आवेदन हो जाएगा। आप लोगों का यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों का 6 मंथ के अंदर का ही आप लोग अपलोड करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लोग 6 मंथ के अंदर का ही सिलेक्ट करेंगे। सो आई होप कि इस तरह से आप लोग पूरी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर्म ऑनलाइन आवेदन के बारे में जानकारी दिया है। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।